कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हो गया? अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो? हाँ, क्या सोच रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि शो कभी सुपर हीरो मूवीज नहीं देखेगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उसमें। और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हर रोज तो घर में सुपर हीरो तो दिखता ही रहता है, तो इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा ना। ये तुमने मुझसे बोल दिया, शुभ से मत बोल वरना वो हंसने लग जाएगा। मुझे माँ से एक बात पूछनी है कि तुम्हें पैदा करने से पहले उन्होंने क्या खाया। अरे इसमें क्या जोक है अब? नो सीरियसली दे, मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम इतनी बड़े बड़े चीजों को इतनी आसानी से हैंडल कैसे कर सकते हो, और वो भी विदाउट कंप्लेन। तुमने सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं बल्कि सारे बच्चों को स्टुपिड गेम से बचाया। तुमने भी तो हजारों बच्चों का न्यूट्रिशन प्लान किया और उन्हें हेल्दी बनाया, इतना बड़ा काम किया तुमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन सारे बच्चों के मम्मी पापा हैं? देखो, बच्चों को संभालना, मम्मी डैडी बनना, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने हस्बैंड एंड वाइफ के रोल को भी सीरियसली लेना होगा। ओके ओके, सोनाक्षी तुम कुछ भूल रही हो। क्या? यही कि आज छुट्टी है, आज ऑफिस नहीं जाना है। शायद तुम कुछ भूल रहे हो, आज पैसे कमाने का दिन नहीं, पैसे खर्च करने का दिन है। मतलब हम सारे मॉमीज आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। दिवाली शॉपिंग। सोना तो रेडी है ना? हाँ हाँ, बस दो मिनट आ ही रही हूँ। तुम घूर के क्यों देख रहे हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? I just know it. तो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक से ही सोच। क्या हुआ, हमारे बगैर मन नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है शॉपिंग करने में। वो एक्चुअली मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था ये चेक करने के लिए कि तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से। कम ऑन सोनाक्षी, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अच्छा, मैं तुम्हें बच्चों को मिस कर रही थी इसलिए फोन किया। हाँ ठीक है, हम दोनों ठीक है और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाकी लेडीज की तरह अपनी शॉपिंग एंजॉय करो बस। ओके बाय बाय। देखो शुभ रो रहा है, उठो। देव शुभ रो रहा है, उठो। शुभ रो रहा है कब से? सोनाक्षी मैं सो रहा हूँ, तुम देखो। अच्छा, अरे ओहो। सोनाक्षी कहा था ना आज संडे, आज मेरा डे ऑफ है, मैं सोऊंगा और तुम सारे काम करोगी, बच्चों को भी संभालोगी और खाना भी बनाओगी, इसलिए तुम करो। सॉरी सॉरी, तुम सो जाओ, मुझे याद भी नहीं था कि आज संडे। ओके। अभी बिजी हूँ ना, देखो अगर मैं तुम दोनों के साथ आई तो शुभ का ख्याल कौन रखेगा? देखो गिरा दिया इसने। तो अभी सो जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद तो आप चलोगे ना? उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, वो कौन बनाएगा? तो आप कब आओगे मम्मा? शाम को जाते हो? ओके बिक्की, शाम को नहीं, अभी तुम दोनों को जाना है ना, जाके पापा, या तुम अपने पापा, या तुम अपने पापा से कहो। ये भी करा दिया जो देव, दोनों कब से जिद कर रहे हैं, इन दोनों को बाहर खेलने के लिए लेके जाओ ना। नहीं सॉरी, संडे के दिन मैं एकदम बिजी रहता हूँ, सो सॉरी। वाह, हमारा
शाम से कॉफी पीते पीते घर में टहल रहा है और कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं स्टॉप उधर कहेगा। देखो अभी शुभ को सुलाना है, जाओ तुम लोग जाके कुछ खेलो यहाँ पे। जी प्लीज, हाँ प्लीज मम्मा, जाओ पढ़ लो। ये डीके भी कहाँ गया? माँ ये डीके कहाँ है? सुबह से सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ। एक्चुअली डीके को मैंने बाहर भेजा है, कुछ मंगवाना था। ओके okay? अरे ये सारा कुछ मैंने बनाया, पता नहीं कैसे बना होगा, चख के बताओ। सॉरी हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज स्टैंड पर पिज़्ज़ा देंगे मम्मा। और ये जो सारा कुछ मैंने बनाया उसका क्या? चेहरा देखा था तूने अपनी बहू का? देव अब बस बहुत हो गया, बहुत सता लिया तूने मेरी बच्ची को, जा मना ले उसे, जा जा चल। कॉफी क्या है? सुबह से काम कर रही हूँ इतना सारा, घर का इतना सारा काम था, वो खत्म करने के बाद मैं खाना बनाने गई और फिर उसके बाद पता चला कि तुमने पिज्जा ऑर्डर किया। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सबको पिज्जा खाने का मन कर रहा है? अरे इतना सारा मेहनत बेकार गया ना? नहीं नहीं मेहनत तुम्हारी बेकार नहीं गई। मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? पिज्जा के साथ सब लोग आलू खाएंगे? नहीं एक्चुअली पिज्जा तो सिर्फ कवर अप था, हमारा लंच का एक प्लान है। मतलब हम बच्चों के नाना नानी के घर जाएंगे, वहीं पे लंच करेंगे और तुमने जो बनाया वो भी साथ ले चलना, उन्हें भी तो पता चले संडे को हम पे क्या बीतती है। इनफ, तुम ना बहुत गंदे हो। लेकिन ये कॉफी अच्छी है, पियो पियो। नहीं तो आज बहुत खुश लग रहे हो। हम तो रोज ही हैप्पी होते हैं, क्यों शुभ? है ना पापा तो रोज हैप्पी होते हैं, मम्मा को कुछ पता ही नहीं है। मम्मा को पता है, पापा को नहीं पता है। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात? आज कुछ गुड न्यूज है क्या? नहीं बस थोड़ी खुश हूँ ना आज, इसलिए मन किया कुछ नो अच्छा पहन लू, अच्छी दिखू। और एक गुड न्यूज भी है कि मैंने जिससे शादी की है ना वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। रियली? एक्चुअली वो सबसे केयरिंग है, सबसे हैंडसम है, सबसे समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे अच्छा इंसान है और तुम सबका ख्याल रखते हो, सबको खुश रखते हो। Where is this coming from? I mean, मेरी इतनी तारीफ, इतना प्यार, तो ठीक है ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं मांगने वाली हूँ तुमसे, बस अपना फोन देख लो, खुद समझ जाओगे। फोन? ये क्या है? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब अरे ना मैं तो सिर्फ एक इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू में जो तुमने कहा वो दिल से कहा और इसलिए तो लोग तुमसे कनेक्ट हो पा रहे क्योंकि तुम उनकी आवाज बन गए थे। And I'm so proud of you, Dev. तुम्हें step back नहीं करना चाहिए। मतलब जो तुमने शुरू किया है तुम्हें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। Dev, लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। They expect this from you. लेकिन parenting के बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं खुद सीख रहा हूँ। I know, Dev. लेकिन लोग तो यही चाहते हैं ना कि कोई उनसे इस बारे में बात करे, उनके सवालों का जवाब तुमसे बेटर और कोई दे ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा कि पेरेंटिंग और लाइफ तो चलती ही रहती है, एंड यू ऑल्सो सेड कि शेयरिंग इज केयरिंग।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.